खबर आपको कानपुर देहात से दिखा रहे हैं, जहां पर सिकंदरा तहसील क्षेत्र के संदलपुर कस्बा में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस चौकी के घेराव के साथ साथ सिकंदरा झिझक सड़क मार्ग पर जाम कर धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चौकी प्रभारी गौकसों से मिलकर गौकसी करवा रहे हैं। गौकसों की सूचना देर रात तक दी गई, परंतु गौकसों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए, वहीं जमकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारे लगाए। आपको बता दें, मौके पर जनपद के आधा दर्जन से अधिक थानों व फोर्स पीएससी बल तैनात किया गया था। वहीं मामले की सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को खूब समझाने की कोशिश की, परंतु विफल रहे। जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं की कुछ मांगों को पूरा करने के लिए सांत्वना दिया, तभी जाकर जाम खुला। थाने में शिकायती पत्र देते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि देर रात सूचना मिली थी कि चौकी संदलपुर क्षेत्र के पिसावा गांव में मस्जिद के समीप सातिर गौकस अली मोहम्मद, उसके पुत्र साकिर व आविद तथा औरेश द्वारा रात के अंधेरे में गौकशी की जा रही है, जिस पर वे अपने साथी विवेक राष्ट्रवादी के अलावा चार अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर गए, लेकिन सभी गौकशों ने उनके साथ साथ सभी साथियों पर पथराव कर दिया। मौका पाकर सभी भागने में सफल हो गए। आरोप को लगाते हुए बताया कि संदलपुर चौकी प्रभारी दिनेश कुमार भारती व हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार यादव की गौकशों से मेल मिलाप से भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। उन्होंने मांग की है कि संबंधित गौकशों के खिलाफ गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। मामले की सूचना पर पहुंचे राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल, एडिशनल SP घनश्याम चौरसिया व सिकंदरा उप जिलाधिकारी डॉक्टर पूनम गौतम, डेरापुर CEO रविकांत गौड़ ने ज्यों ही समझाने का प्रयास किया तो सुबह से अपने दर्जनों भर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे विकास नामक बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आक्रोश में आकर झड़पबाजी की। उसने पास में रखी पेट्रोल से भरी बोतल को उठा लिया और अपने ऊपर छिड़क कर आग लगाने की भरपूर कोशिश की, जिस पर पुलिस प्रशासन के हाथ पर फूल गए। इस बीच राहगीरों की निकलने को लेकर कार्यकर्ताओं से झड़प भी हुई। और ये अभी एक हमारा मंदिर का प्रकरण है, मंदिर के प्रकरण में ये लगातार इसके पास आर्डर तक आ गए, तभी भी इसने जो है वहाँ पर मास्क की दुकान को अभी तक नहीं हटवाया है। इसको आदेश करो तो ये कहता है तुम क्या करोगे मेरा। और निरंतर जब तक ये मुलजिम पकड़ा नहीं जाएगा, या मुलजिम पकड़ा जाए या तो जो है चौकी प्रभारी तत्काल रूप से इसका बर्खास्त हो, निलंबित करें तत्काल रूप से, तब यह प्रशासन हटेगा। हमारा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में यह काम हो रहा है और यह होता रहेगा। कब तक आपकी तानाशाही सही जाएगी? ऐसे ज्योतिष हत्याकांड में गौरक्षक की हत्या हुई थी, वहां पर आपके SP महोदय के कहने पर हम निरंतर लोग हटे और लगातार वहां पर उस अपराधी को अभी तक नहीं पकड़ा गया, और अपराधी को ना तो पकड़ा गया और ना उसके ऊपर कोई अभी तक कार्रवाई हुई, ना उसे प्रशासन द्वारा कुछ प्रशासन द्वारा एक भी रुपए का उसको मुहैया नहीं करवाया गया। निरंतर लापरवाही बरती जा रही है आपके इस जिले में। क्या मांगे क्या हैं आपकी? मांगे हैं हमारा चौकी प्रभारी निलंबित, और जो और दूसरा मांग गौरक्षक जो हैं, जो गौ हत्या उन्होंने किया है हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, जिन्हें देखा, वो जो है तत्काल रूप से पकड़े जाएं। ये है हिसावा गांव की है, आरोपी नामजद उनको दिया गया है। रात में 1 बजे FIR हुए, रात में 1 बजे से हम लोग निरंतर यहाँ पे चौकी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमको 11 बजे का समय दिया गया है। 11 बजे के बाद हम लोगों ने पुनः धरना दिया है। 11 बजे का समय दिया गया था इनको, और 11 बजे के बाद पुनः हम लोग धरने पर। सर, आज संदर्भ चौकी सामने खेत कार्यकर्ताओं और बजरंग कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, इससे संबंध में काफी देर बाद यहाँ पर जो दिक्कत परेशानी लोगों को करना पड़े, क्या था पूरा मामला? ये चौकी संदलपुर के चौकी प्रभारी के बारे में उनका आरोप था कि ये एक गौकसी की सूचना मिल रही थी और उसमें उन्होंने तत्परता नहीं दिखाई, जबकि चौकी प्रभारी द्वारा 2 आरक्षियों को मौके पर भेजा गया था, वहां पे किसी तरह का कोई एविडेंस नहीं मिला था। चौकी प्रभारी को स्वयं जाना चाहिए था, वो नहीं गए, तो इस आधार पे उनको यहां से लाइन हाजिर किया गया है। इसके अलावा एक अन्य हेड कांस्टेबल को और जो अन्य आरक्षित थे उनको दूसरे क्षेत्र में भेज दिया गया है। अन्य उनकी जो मांगे थे वो जांच के बाद और कार्रवाई की जाएगी।
वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।